अधिकार के तहत जहां सरकार इतनी प्रयास कर रही है, वहां मैनपुर क्षेत्र में यह पहला अवसर देखने को मिला जहां समुदाय स्वयं स्कूल संचालित कर रही है। आप मन के गांव के साल हो गए बसे है थे? 30 साल हो गए। आप मन के गांव में ये स्कूल कौन चला थे? पहले 4 महीना पूरा गांव वाले चलाए और चंदा करके इकट्ठा करके गांव वाला। उसका बाद अभी और विशेष से चला रहे हैं। और यहाँ कौन सा समस्या नहीं है? हमारा पानी नहीं है, बिजली नहीं है, रोड नहीं है, तालाब नहीं है, और जाने आने का और खाने पीने का भी बहुत कष्ट है। तो कितना रुपया आप मन हाँ चंदा कराते हैं स्कूल ला चलाए के लिए? महीना भर 200-200 रुपया के घर में। के छान ही है आप मन के गांव में? 90 छान है। 90 छान है, 90 परिवार है। 90 परिवार, परिवार 600 से अधिक है। अच्छा, छान ही 90 है। छान है 90। और मध्यान भोजन चलाए के लिए कैसे करते रहे? ओ, 2-2 किलो 3 एक एक करता घर से। 20 साल से स्कूल नहीं है। और आप मन कितना साल से चला थो गांव के तरफ से स्कूल? 6 महीना हो गया। 6 महीना से। स्कूल के लिए कभी आवेदन वगैरह दे रहे हैं? हाँ, वो दे रहे हैं आवेदन। कहाँ कहाँ आवेदन दे रहे हो? आवेदन दे रहे हैं मंत्रालय दे रहे हैं, न्यास दे रहे हैं, और राज्यपाल को दे रहे हैं, और कदर कश्यप जी को दे रहे हैं। नहीं हुई हमारे नियुक्ति गांव वाले के। अच्छा, यहाँ पहले स्कूल नहीं रही से? नहीं था स्कूल। कितना महीना हो गया आप मन यहाँ पढ़ात हो? पहले तो 4 महीना श्रमदान के, अभी 2 महीना से आरबीसी केंद्र स्कूल चला रहे हैं। लेकिन आपका वेतन या मानदेय ऐसा कुछ निश्चित किए हैं वो लोग? किए हैं। कितना किए हैं? 2000 रुपया किए हैं। एक आध महीने का अभी मिला है आपको? एक आध महीने अभी मिलेगा बोल रहे हैं। बोल रहे हैं नहीं मिला है अभी तो। तक की ग्राम सोना मार में प्रशासन की ओर से कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक राजीव गांधी शिक्षा मिशन की तरफ से ग्राम स्वर्णामार के बच्चों को शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए। मैं रीना राम टेके, ग्राम स्वर्णामार, विकासखंड मैनपुर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़, इंडिया अनहर्ट के लिए।